शिर्क के अंदर सबसे अहम चीज जो है वो है सजदा। अल्लाह के अलावा किसी को सजदा नहीं, बोले सजदा इबादत है, अल्लाह के अलावा किसी को सजदा नहीं। लेकिन मुझे बताएं, ये जो मजारों के ऊपर सजदा कर रहे हैं ये कौन है? अल्लाह के बंदे का वास्ता देकर मांगना ये तो अहले सुन्नत का मामूल है, लेकिन पीरों के दरबारों पर जाकर सजदा करना ये किस अहले सुन्नत का हुक्म है? ये किसका फतवा है? कोई एक आलम, कोई एक मुफ्ती, कोई एक मुहद्दिस, कोई एक बुजुर्ग, ये जो बांग पीते हैं मजारों पर जाकर ये कौन है? ये जो अफीमन और चरस बेच रहे हैं मजारों के ऊपर जाकर ये कौन है? अजीब तमाशा लगा हुआ है दरबारों पर और अजीब यल्ला मची हुई है, और हम हैं कि कछुए को पीर मान रहे हैं, हम हैं मेंढक को पीर मान रहे हैं, हम हैं जी घोड़े को पीर मान रहे हैं, हम हैं गधे को पीर मान रहे हैं, हम हैं स्टिक और छड़ी को पीर मान रहे हैं, हम हैं उस गंदे बंदे को पीर मान रहे हैं जिसके वजूद से इतनी बू आती है कि शायद उसकी बीवी ने भी उसे दरबारों पर इसलिए भेज दिया है कि आप वहीं पर तशरीफ ले जाएं, हमारे पास इतनी सकत नहीं है कि तुम्हारी बदबू को सह सकें। हम उस मुस्तफा के उम्मती हैं जो गलियों से गुजरते थे तो सहाबा फरमाते हैं हम खुशबू से पहचान जाया करते थे अल्लाह का महबूब इधर को गया है। हम किसको पीर मान रहे हैं? नमाज का मजाक उड़ा रहा है, हमारा पीर है। ज़कात को वो जुर्माना कह रहा है, फिर भी हमारा पीर है। मूछें इतनी इतनी रखी हुई हैं, फिर भी हमारा पीर है। दाढ़ी मुंडाता है सिरे से, मेयार है सारे के सारे मौलवी के लिए, पीर के लिए तो कोई मेयार ही नहीं। कम अज कम जितना मेयार मौलवी रखने का बनाते हो इतना सा मेयार तो पीर पकड़ने का बना लो। मौलवी सिगरेट पिए तो इमाम रखोगे? पीर जरस भी पिए तो पीर है, बंग भी पिए तो पीर है, शराब भी पिए तो पीर है। मौलवी के कपड़े गंदे हों तो इमाम रखोगे जी? नहीं ना रखेंगे। इतना इतना क्रिटिकल मेयार है हमारा इमाम के लिए। अगर इमाम जो है वो कभी कभी उल फूल बके गाली दे, इमाम कभी गाली दे, ईमानदारी से बताइएगा उसको इमाम रखेंगे? और पीर सबसे बड़ा पीर वो है जो सबसे बड़ी गालियां निकाले। कोई घोड़े शाह, कोई खोते शाह, कोई गधे शाह, कोई जो है कछुए वाला पीर, कोई मेंढक वाला पीर, कोई लिटा वाला पीर, कोई जो है दुल्हन पीर। आजकल एक नई रूनमाई हुई है दुल्हन पीर। अगर मौलवी हमारी बेटियों से मिले तो मस्जिद का मौलवी रह सकेगा, और अगर पीर मिले तो हमारी बेटी जाकर पीर की टांगें दबाए तो भी पीर, हमारी बीवी जाकर पीर के जो है वो पिनियां दबाए तो भी पीर है हमारा, तन्हाई के अंदर उसके मजलिस में जाकर बैठे तो भी हमारा पीर है। कहां चले गए हम? कहां गई हमारी मुसलमानी? कहां गया हमारा मैयारे मुसलमानी? कहां गया अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात? कुछ खुदा का खौफ करें हम।